हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ट्रांसफर मार्केट में नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी मैनेजमेंट काफी ज्यादा एक्टिव है और जस्ट मैंने आप सभी को ये खबर दिया है कि रडीम टलांग के साथ नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी मैनेजमेंट का बातचीत चल रहा है और रडीम टलांग अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो फिर से हम सभी को नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी के कलर्स में खेलते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट खबर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी मैनेजमेंट के तरफ से कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने यह दावा किया है कि आई लीग की टीम श्रीनिधि एफसी से फाल्गुनी सिंह को नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी मैनेजमेंट ने अपनी टीम में साइन करवा लिया है 3 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पर। तो दोस्तों, फाल्गुनी सिंह को अपनी टीम में साइन करने के लिए काफी सारे आई लीग के क्लब्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे और साथ ही आईएसएल के भी काफी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे कि वो फाल्गुनी सिंह को अपनी टीम में साइन करवाए। लेकिन दोस्तों, 3 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पर फाल्गुनी सिंह ने नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी को साइन कर लिया है। तो दोस्तों, फाल्गुनी सिंह मात्र 28 वर्ष के ही है, डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से यही खबर है कि नॉर्थ ईस्ट टूर्नामेंट एफसी मैनेजमेंट ने फाल्गुनी सिंह को अपनी टीम में साइन कर लिया है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम सभी को इंतजार रहेगा जो कि जल्द ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।